कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.3 आज हम इसके चौथे प्रश्न का दसवां भाग कर रहे हैं। प्रश्न है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टैन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टैन स्क्वायर ए। तो हमें इस साइड को भी टैन स्क्वायर ए के इक्वल सिद्ध करना है और इस साइड को भी टैन स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है। तो हम इनको साथ की साथ हल करते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, इसको मैंने नहीं छेड़ा। इसके नीचे है 1 प्लस कॉट थीटा, जो होता है वो होता है 1 बटा टैन थीटा। तो ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन टैन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से यहां पर यह है 1 माइनस टैन ए बटा 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए होता है 1 बटा टैन ए, तो इसलिए कॉट ए को मैंने सिर्फ 1 बटा टैन ए में कन्वर्ट किया और मैंने कुछ नहीं। और यहां पर है टैन स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर भी है। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहां पर ऊपर वाली रकम को हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे है 1 एक और टैन स्क्वायर का। अभी हम सिर्फ इस पोर्शन को देख रहे हैं, एक और टैन स्क्वायर ए का जो न्यूनतम होगा वो होगा टैन स्क्वायर ए, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना। टैन स्क्वायर ए को 1 से भाग करेंगे तो टैन स्क्वायर ए, उस टैन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा टैन स्क्वायर ए। बीच में है प्लस तो प्लस, टैन स्क्वायर ए को टैन स्क्वायर ए से